जय हिंद दोस्तों, 1 जून 2021 से अब जवान जा पाएंगे छुट्टी। दोस्तों बात करते हैं नई एडवाइजरी। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 में जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे ट्रेनिंग के ऊपर, बहुत सारे कामों के ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर एक फ्रेश एडवाइजरी जारी हुई है। यानी 27 मई को एक लेटर जारी हुआ है, एडवाइजरी नंबर 3/21, जिसमें क्या क्या चीजों में करना है क्या नहीं करना है, किस चीज को ध्यान में रखना है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों जो नया लेटर है उसमें क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, जो खुलेगा वो जो कोविड का प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, उनके जरिए क्या चीज अब आपके कंटेनमेंट में, आपके ट्रेनिंग में, आपके एडम में क्या प्रभाव डालने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल ड्यूटीज। तो MI रूम, MH ये सब खुले रहेंगे, MES खुलेगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी दूसरे काम है, पोस्ट ऑफिस में डाक आना जाना, ये सब खुलेंगे लेकिन प्रोटोकॉल के तहत। दूसरी बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की। तो कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, अभी फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी वो मिनिमम होगी, बाकी टेली कम्युनिकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही चलती रहेगी, दोनों चीजें पार्शियली चलती रहेंगी साथ साथ में। बात करते हैं कोर्सेस और ट्रेनिंग की। अभी कोर्सेस सारे स्टार्ट, जो भी कोर्सेज हैं रीशेड्यूल कर दिए गए हैं, वो 1 जून से जो भी कोर्सेज हैं ट्रेनिंग चल रही है, टेम्परेरी ड्यूटी है, वो एज इट इज जारी हो गए हैं। लीव की बात करते हैं। सबसे पहले लीव, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अभी आप 1 जून 2021 से अपनी लीव प्लान कर सकते हो, छुट्टी जा सकते हो, इसके जो भी रिस्ट्रिक्शन वैन हुआ था वो हट गया है। फायरिंग, चाहे स्मॉल आर्म्स फायरिंग हो, चाहे लॉन्ग रेंज वेपन्स हो, आर्टी वेपन्स हो, उनकी फायरिंग उस पर रिस्ट्रिक्शन हट गया है। चाहे जो क्वार्टरली फायरिंग है, बहुत सारी चीजें ड्यू हैं ट्रेनिंग कमिटमेंट की वजह से, तो फायरिंग वगैरह चाहे स्मॉल आर्म्स की है, बड़े लॉन्ग रेंज वेपन्स की, सभी फायरिंग अपने रेंजेस में स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ बात करते हैं आपकी पोस्टिंग वगैरह, जो भी जवान हैं अफसर हैं जिसे जो पोस्टिंग के लिए पेंडिंग थे उनकी पोस्टिंग हेल्ड कर रखी थी, वो पोस्टिंग द्वारा आप जा सकते हो, एक जिसने जहां जिसका टेन्योर है या ERE सिस्टम जिसमें आप पोस्टिंग जा सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो भी ये जो लेटर एक एडवाइजरी निकली है वो स्टेशन में जाएगी फॉर्मेशन कमांडर, इसमें भी कुछ कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत आगे पीछे कर सकते हैं। यानी ये कोविड-19 की जो सेकंड वेव थी उसमें काफी बहुत सारा नुकसान हुआ है, एक भयावह स्थिति थी, इस स्थिति को कंट्रोल करने के बाद ये एडवाइजरी जारी हुई है और इसमें ये साथ में दिया है कि फॉर्मेशन कमांडर अपने हिसाब से इस एडवाइजरी में कुछ फेरबदल कर सकते हैं सब प्रोटोकॉल के तहत। थैंक यू दोस्तों, एक जो लेटर था मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बने रहिए सैनिक जीवन चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।